धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्य को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घड़िया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उनके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। किंतु अधर्मियों को उनके विचारों के योग्य दंड दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने धर्मी का तिरस्कार और प्रभु का परित्याग किया। जो प्रज्ञा और अनुशासन को तुच्छ समझते वे अभागे हैं। उनकी आशा निराधार है, उनका परिश्रम व्यर्थ है और उनके कार्य निष्फल हैं। उनकी पत्नियां मूर्ख, उनके बच्चे दुष्ट, उनके वंशज अभिशप्त हैं। धन्य है बांझ स्त्री जो अशुद्ध नहीं हुई, जिसने व्यभिचार नहीं किया। आत्माओं के विचार के दिन वह फलवती होगी। धन्य है नपुंसक जिसके हाथ ने बुराई नहीं की, जिसने प्रभु के विरुद्ध दुष्ट विचार नहीं पाले। उसे अपनी ईमानदारी का विशिष्ट पुरस्कार और प्रभु के मंदिर में सुखद भाग प्राप्त होगा, क्योंकि भले कामों का फल महिमामय है और उनकी जड़ प्रज्ञा अवनिश्वर है। व्यभिचारियों की संतान प्रौढ़ता तक नहीं पहुंचेगी। अवैध संसर्ग से उत्पन्न वंशज नष्ट हो जाएंगे। यदि उन्हें लंबी आयु मिली तो उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा और वे अंत तक बुढ़ापे तक तिरस्कृत होंगे। यदि वे शीघ्र ही मर जाएंगे तो विचार के दिन उन्हें न आशा होगी और न सांत्वना मिलेगी, क्योंकि दुष्ट वंश का अंत दुखद है।